नाम से जितनी भी जगत में पखंड है धर्म के नाम से ही, और वो शुरू से रहे आदि काल से रहे। ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आपके धर्मों को पखंडों को तोड़ देगा, आपको सच का पता लग जाएगा कि ठीक क्या है गलत क्या है, या आपको इसका भी देगा ये गलत या नहीं ठीक आपको पता लगेगा। राजी माता पहली बात ये समझो, इस जगत में कोई भी राजी नहीं है, ना कुछ सीता है ना कुछ राम है ना कुछ कृष्ण, पहले समझ लो आपको ये सारा, पहले ध्यान से सुनो। जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, अगर ग्रंथ में लिखा हुआ है कि यह राधे का अवतार होगा, जैसे भगवान राम के बारे में जड़ सर पहले लिख दिया, कृष्ण भगवान ने लिख दिया गीता के अंदर कि मैं कलयुग के अंत में अब आऊंगा, कलयुग का जो अंत होगा और इस घर में यहां जाऊंगा, वो राधे के लिए नहीं आती, कृष्ण के बिना राधे क्या करने के लिए आती। और दूसरा जो ये राधे बन गई या सीता बन गई, हम कई जगह कहते वो ऐसा नहीं है, वो उस ब्राह्मिक भ्रम में ना पड़े आप, राधे क्यों नहीं, मैं राधे हूं। और राधा कृष्ण के फिर बोलो राधे तो कृष्ण कहां पर है, बाबर शुद्ध में आपको जो कर ले लो उसमें क्या प्रणाम, मैं बता दू मैं आपको खुद ले दूंगा बाबर बन जाऊंगी। महापुरुष का एक ही मतलब है कि कुंभ के स्नान में आप पहले जा सकते हो, बस इतना ही, वो कोई पद थोड़ी होता है, वो तो समान होता है, बस एक समान है। पक्षपात का वे है कि जिसको उसे लाभ हो रहा है वो उसको पक्ष करेंगे, जो व्यापारिक रूप से अगर होगा। पहली बात तो मोटी जी समझ लो कि राधा ने अवतार नहीं लिया, ना सीता ने या किसी ने कृष्ण ने ना, तो ये राम इसमें कोई नहीं, राम राम ये सीता सीता ये राधे राधा, वो आदमी बेच के जैसे कोई ऐसा नहीं है आपको जो बताओ, इसमें उसको कोई नुकसान नहीं है,
अच्छी बात है, मेरी बात सुनिए, अच्छी है यार, इस काल अच्छी है, प्राइम मिनिस्टर भी अच्छे हैं, सब ये नहीं हिंदू हिंदू सब के लिए अच्छी है, सब के लिए तैयार कर रही है, तो और वो देश के लिए अच्छा विकास करेंगे सबका, ऐसी वो तो अच्छी सरकार है, सबके लिए अच्छी है, लेकिन हिंदू धर्म के लिए किसी के लिए सबके लिए समान। Thank you.